नमस्कार दोस्तों, कल एक वीडियो डाला था कि आप जीरोधा के अंदर अपना नया नॉमिनी किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, और सारा प्रोसेस मैंने करके वहाँ पे दिखाया हुआ था, उसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर वीडियो डालने के बाद मैंने ये भी कहा था कि उसको अपडेट होने में कम से कम 48 घंटा का टाइम लगेगा, 48 घंटे वर्किंग आवर्स ये लगेंगे अपडेट होने में। तो ये काफ़ी पहले ही उन्होंने अपडेट कर दिया है। मैंने आपसे ये भी कह रखा था कि अगर वो अपडेट हो जाएगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दिखाते हैं कि वो किस तरीके से अब आ रहा है अपडेट हो करके। अभी कल ही किया है रात को करीब 11 बजे, और आज अभी मेरे फ्रेंड का मैसेज आया कि उनको मेल आ गया है। तो मैंने कहा कि उनका अकाउंट ओपन करके आपको एक बार दिखा भी देते हैं कि कैसे अपडेट हो गया है और क्या आ रहा है वहाँ पर अब। तो दोस्तों, उनके अकाउंट में हमने लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करने के बाद फटाफट आप लोग जानते हैं क्या करना है। हमें यहाँ जाना है, यहाँ से जाने के बाद कंसोल में जाना है, कंसोल से पोर्टफोलियो में जाते हैं, गूगल क्रोम से ओपन करते हैं, और ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद में यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, इसके बाद माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे। माय अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में ये जो 3 लाइन है इस पे ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से नॉमिनी में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कल जो मैंने दिखाया था, तो वहाँ पर लिख करके आ रहा था प्रोसेस में है चीज़, और आज ये लिख करके आ रहा है। आप देख रहे होंगे ये 100% शेयर्स और नेम नॉमिनी का लिख करके यहाँ पर आ गया है। तो ये अपडेट होने में 48 घंटे तो बहुत दूर, मुझे लग रहा है कि अभी 12 घंटे हुए होंगे, 12-13 घंटे। बहुत ही तेज़ी से जीरोधा के द्वारा अपडेट नॉमिनी किया गया है, तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत तेज वर्क हुआ है इस पर। तो आप भी देख लीजिएगा, अपना चेक करते रहिएगा, और कमेंट करिएगा कि आपका कितना टाइम लगा नॉमिनी अपडेट होने में। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।